हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक प्राइवेट बैंक बताऊंगा, नंबर वन कंपनी बताऊंगा, निफ्टी 50 का स्टॉक बताऊंगा। आप लोग भाई पैसा क्यों नहीं लगा रहे हो? अभी नहीं पैसा लगाओगे तो कब पैसा लगाओगे? मार्केट ऊपर चल जाएगा तब लगाओगे क्या? आप लोग इतने डरते हो ना भाई, इन्वेस्टेड रहिएगा तभी ना पैसा बनाइएगा। लोअर लेवल में खरीदारी करते रहिए। अगर आप लोग लोअर लेवल में खरीदारी नहीं करते हो तो फिर भैया कोई मतलब नहीं है पैसा लगाने का। इससे अच्छा है जाओ आप FD में पैसा लगा लो। आप अगर सोचते हो कि मैं एक दो साल में ढेर सारा पैसा बना लूंगा, करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, तो भैया ऐसा होने वाला नहीं है, कभी भी नहीं होगा। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे तभी जाके कुछ वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, बड़ा पैसा बना सकते हो। शॉर्ट टर्म भाई पैसा नहीं बनने वाला है, आपका क्या किसी का भी नहीं बनता है। क्वालिटी कंपनी को भाई खरीदते रहो, पैसा बनता ही जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले मैं इसका हाफ रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक बार उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया जो कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और ऐसी ही कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलेगा। तो देखो भाई, नेट सेल टर्नओवर मार्च 17 में था वो 8899.61 था, मार्च 17 में 8899.61 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 12652.60 चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है हाफ ईयरली 8899 से 12652 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में टोटल इनकम था वो 10812.48 था, मार्च 17 में 10812.48 था, और मार्च 19 में देख लो 14886.77 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है हाफ ईयरली, 10812 से 14886 हो चुका है। तो भाई मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 5545.28 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 8513.19 हो चुका है। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हाफ ईयरली, 5545 से 8513 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो एबिटा था वो 7458.15 था, मार्च 17 में 7458.15 था, और मार्च 19 में देख लो 10747.36 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है हाफ ईयरली, 7458 से 10747 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर था वो 2315.71 था, मार्च 17 में 2315.71 था, और मार्च 19 में देख लो 2837.69 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है हाफ ईयरली, 2315 से 2837 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो पैट था वो 1856.24 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 2698.73 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका हाफ रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है,
मैं जितनी तारीख ऑफेंड वो कम ही होगा, आप लोगों ने खुद देखा। अब मैं ईयर टू ईयर देख ले रहा हूँ, पहले आप हाफ ईयरली ईयर देख रहे थे भाई। तो देखो नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 9719.87 था, मार्च 15 में 9719.87 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 23,943.21 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्न ओवर है ईयर टू ईयर वाइज, 9719 से 23,943 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है भाई। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 11,748.32 था, मार्च 15 में 11,748.32 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 28,547.23 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर वाइज, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। मैं जितनी तारीख ऑफेंड वो कम ही होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 1,162 था, मार्च 15 में 1,162 था, और मार्च 19 में देख लो 4,111.08 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 1,162 से 4,111 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 8,686.59 था, मार्च 15 में 8,686.59 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 21,399.35 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज, 8,686 से 21,399 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी भाई खरीदोगे तो पैसा नहीं बनेगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाते ही नहीं हो, जिसके वजह से आपका पैसा नहीं बनता है। क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाना सीखो, वरना जो पैसे लेके आए हो ना वो भी डूब जाएगा, वो भी चला जाएगा, सस्ते के चक्कर में महंगा पड़ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर था वो 1,865.98 था, मार्च 15 में 1,865.98 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 4,865.33 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर है ईयर टू ईयर वाइज, 1,865 से 4,865 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 1,865.98 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 4,865 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ, क्वालिटी कंपनी है भाई, सेफ कंपनी है, खरीद के रख लो, आपकी लाइफ बन जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो भाई ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, वेल्थ क्रिएट करके दिया है, और भैया आगे भी रिटर्न बना के देगा। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 739.46% है, सेंसो का रिटर्न है वो 129.40% है, 3 साल में रिटर्न है वो 106.17% है, सेंसो का रिटर्न है वो 36.05% है, 1 ईयर में देख लो भाई वो 1 ईयर में रिटर्न है वो 45.09% है, सेंसो का रिटर्न है वो 11.31% है, ईयर टू डेट में देख लो ईयर टू डेट में रिटर्न है वो 28.18% है, सेंसो का रिटर्न है वो 5.85% है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 28% बना के दे चुका है। वन मंथ में देख लो भाई, वन मंथ में 9.33% है, सेंसो का रिटर्न है 2.78% है,
1 वीक में देख लो भाई, 1 वीक में -2.39% आना है, सेंसो बढ़ाना है -1.27% आना है, 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में 3.35% आना है, सेंसो बढ़ाना 1.72% आना है। तो भैया आप लोग अपनी पोर्टफोलियो में कोटक महिंद्रा बैंक को जगह दो, लॉन्ग टर्म के लिए जगह दो भाई। ये स्टॉक 2-3 महीना में 2000 का हो जाना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा आप लोग इस कंपनी में लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करो। ये सब क्वालिटी कंपनी है भाई। इस ग्रुप की और भी कई सारी कंपनी आने वाले समय में लिस्ट हो सकती है। आपको पता है ना, इनका ब्रोकिंग का बिजनेस है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस है। तो आने वाले समय में ये सब कंपनी में लिस्ट हो सकती है। अब कब लिस्ट होगी भाई मुझे नहीं पता, कभी ना कभी तो लिस्ट होगी ही। आप लोग खरीद के रख लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक को। ये सब क्वालिटी कंपनी भाई, पैसा बनेगा ही। क्वालिटी कंपनी खरीदना सीखो। कोटक महिंद्रा बैंक का अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो भाई, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 29.98%, FIIs के पास जो होल्डिंग है कोटक महिंद्रा बैंक है 40.52% होल्डिंग है। ये जो कंपनी है भाई वो FIIs के पसंदीदा स्टॉक में शामिल है। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है कोटक महिंद्रा बैंक वो 8.44% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है कोटक महिंद्रा बैंक वो 2.97% होल्डिंग है। अदर डीए पर जो होल्डिंग है 0.34% होल्डिंग है। नॉन इंश्योरेंस इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है कोटक महिंद्रा बैंक में 17.75% होल्डिंग है। कोई भी शेयर कोटक महिंद्रा का प्लेस नहीं है भाई, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का जो होल्डिंग है कोटक महिंद्रा बैंक में 6.03% होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है कोटक महिंद्रा बैंक में 9.36% होल्डिंग है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक का पी रेशियो है वो 57.29 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू कोटक महिंद्रा बैंक का 6.95 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो भाई, बहुत ही गंदा है कोटक महिंद्रा बैंक का, 0.05% का डिविडेंड यील्ड है। आरओई देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया है कोटक महिंद्रा बैंक का, 12.12% का है। और भैया ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है तो इसमें आपको आरओई ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। आरओई जो लेटेस्ट है 1.67% का है। नेट एनपीए टू बुक वैल्यू कोटक महिंद्रा बैंक का 3.55 का है, जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़िया है। वैल्यूशन देख लो भाई, वेरी एक्सपेंसिव बता रहे हैं। तो भैया ये स्टॉक 5 साल पहले महंगा था, आज भी महंगा है और आने वाले सालों में महंगा ही रहेगा। इस कंपनी में भाई बहुत ही कम गिरावट होती है, आप लोग को पता होगा ही। इधर 1-1.5 साल में भाई मार्केट में अच्छा खासा भाई गिरावट हुई है, लेकिन कोटक महिंद्रा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि क्वालिटी कंपनी है और गिरेगा भाई तो तुरंत रिकवर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक का अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा वो 702 से 842 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा, जो कि कभी भी नहीं आने वाला है। आप लोग इस कंपनी में पोजिशन बनाना चाहते हो तो 1580-1540 के आसपास ये स्टॉक आता है, तो आप लोग लॉन्ग टर्म खरीद के रख लेना। क्वालिटी भी मैं भाई आपको दिखा देता हूँ, एक्सलेंट बता रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का। भाई नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ देख लो 5 ईयर का 26.40% का है, जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़िया है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ देख लो कोटक महिंद्रा बैंक का 27.73% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाया था ना SBI पे, बैंक ऑफ बड़ौदा पे, उसका देखे थे नेट प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर का नेगेटिव में था, जिसकी वजह से वो सब कंपनी आपको रिटर्न बना के कभी नहीं दे सकता है। लेकिन ये सब कंपनी भाई खरीदोगे ना, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ये सब कंपनी भाई रिटर्न बना के देगा ही। NPA भी देख लो भाई, कोटक महिंद्रा बैंक का 2.19% का है। SBI का NPA कितना था, 7.5% का था, और कोटक महिंद्रा बैंक का देख लो 2.19% का है। यहाँ पे भी देख सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिया है। तो देखो 10 साल में 739% रन है, 5 साल में 214% रन है, 3 साल में 106% रन है, 1 ईयर में 45% रन है, ईयर टू डेट में 28% रन है, 1 मंथ में 9% रन है। तो देख सकते हो ये कंपनी कितना अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब का बेल बटन प्रेसना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।